मिला, ईएमएफ का हमें फॉर्मूला मिला कि एवरेज ईएमएफ इज माइनस नंबर ऑफ टर्न्स, 5 2 माइनस 5 1 डिवाइडेड बाय टी, और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ माइनस एन डी फाइव बी बाय डी टी। ठीक, समझ गए। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है यहां पे कि माइनस का साइन क्यों आ रहा है इन फॉर्मूलों में, इन फॉर्मूलों में माइनस का साइन आ क्यों रहा है। माइनस के साइन का एक बहुत बड़ा रोल है यहां पे, उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा लेंज रूल। लेंज रूल बोलते हैं इसको, कि माइनस क्यों आया है। लेंज रूल तो जरा ध्यान से देखना, अगर हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करें, अगर हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करें जितना हमने लास्ट क्लास में किया, कि अगर एक कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, और हम आगे की बात ना करें, तो अभी तक जो बात हमने करी है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी। क्यों? एक मैं तुम्हें जस्ट एक रफ आइडिया देता हूं कि जैसे अगर मैं सिर्फ फैराडे के लॉज जो हमने पढ़े लास्ट क्लास में, उन लॉज की ही बात करूं, और अगर एक एक देखो, एक तुम्हें परसों वाले लॉज समझ में आ गए ना अच्छे से। अब एक हम बेसिक सा डिजाइन बनाएं, मतलब सोचो जैसे जैसे मान लो एक फैन है, ठीक है, ऐसे हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, एक फैन है और इस फैन में एक कॉइल हैंग कर दिया, ठीक है, इस फैन में एक कॉइल हैंग कर दिया, सोचो हाइपोथेटिकली, जैसे फैन है यहां पे, एक कॉइल हैंग कर दिया, छत पे लगा दी मैग्नेट्स, यहां मैग्नेट लगा दी, यहां मैग्नेट लगा दी, मतलब यहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब ये फैन घूमेगा तो फैन के साथ कॉइल घूमेगा, कॉइल घूमेगा तो कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा, और अगर वो चेंज होगा तो कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, उस करंट की हेल्प से पंखे को घुमा दो। जो फैन अदरवाइज मेन सप्लाई से चल रहा था, अगर जो फैन मेन सप्लाई से चल रहा है, फैन घूमा, फैन के घूमने से कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ, उस करंट से फैन को चला दो, तो फैन उस करंट से अगर चलेगा तो फैन घूमेगा तो वो अपना करंट खुद पैदा करेगा और खुद ही उस करंट से चलेगा, तो फिर तो इनफाइनाइट एनर्जी होगी ना एक तरीके से। ये कोई भी बॉडी चल रही है, अपना करंट खुद पैदा कर रही है और उस करंट से खुद चल भी रही है और फिर उससे खुद करंट पैदा कर रही है। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कभी खत्म नहीं होती, जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कभी खत्म थोड़ी हो जाएगी, हम खत्म हो जाएंगे लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि एक दिन यह गिरना बंद हो जाएगा, ये पंखा कभी बंद नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है कहीं पर भी, हमने प्रैक्टिकली ऐसा कुछ देखा तो नहीं है, अगर होता होता तो कितनी अच्छी बात होती। तो जो तुमको फैराडे के लॉज बताए या जो तुमको कॉन्सेप्ट बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसमें एक कमी रह गई, उसमें पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि पूरी बात बताई थी लेंज ने। फैराडे ने तो लॉ बताया कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर सर्किट कंप्लीट हो तो करंट इंड्यूस होगा, लेकिन एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ईएमएफ और करंट के इंड्यूस होने का नेचर क्या है। ईएमएफ और करंट इस तरीके से इंड्यूस होते हैं कि वो हमेशा अपने कॉज को अपोज करते हैं, कॉज को अपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमने एक, चलो इजी सा करते हैं, हमने यहां पे एक सर्कुलर लूप लिया,
हमने यहां पे एक सर्कुलर लूप लिया और उस सर्कुलर लूप की तरफ मैग्नेट आई। उस मैग्नेट का यहां पे नॉर्थ, उस मैग्नेट का यहां नॉर्थ पोल है, यहां साउथ पोल है। अब इस सर्कुलर लूप की तरफ ये मैग्नेट हम ला रहे हैं ऐसे इस तरफ। इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ में जाती हैं। तो इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं यहां से, ठीक। और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी जो पास नहीं हो रही थी, ये वाली, लेकिन जब पास लाओगे तो वो भी इस लूप के थ्रू पास होने लगेंगी, फिर वापस ले जाओ तो कम हो जाएंगी, फिर पास ले आओ तो ज्यादा हो जाएंगी। तो लूप के थ्रू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसमें करंट इंड्यूस होगा। अब ध्यान से देखना, मैग्नेट का कौन सा पोल है जो लूप की तरफ आ रहा है? अभी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है जो लूप की तरफ आ रहा है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल लूप की तरफ आ रहा है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि लेंज रूल ये कहता है कि ईएमएफ हमेशा अपने कॉज को अपोज करती है। जब नॉर्थ पोल मैग्नेट का लूप की तरफ आया तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो उस ईएमएफ के इंड्यूस होने का बेसिक कॉज क्या है? इस मैग्नेट का इधर आना, तो यही कॉज है। तो मैग्नेट में जैसे ही, लूप में जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो इस कॉज को अपोज करेगा, धक्का मारेगा, वो मैग्नेट को अपनी तरफ आने से रोकेगा। और वो ऐसा कैसे कर सकता है? क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा है, तो ये भी इस वाले फेस पे विच इज टुवर्ड्स द मैग्नेट नॉर्थ पोल बना ले, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और नॉर्थ पोल कैसे बनाता कोई लूप? जब उस पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होता है। तो जैसे ही तुम मैग्नेट को इस तरफ मूव करने लगोगे, जैसे ही तुम मैग्नेट को इधर मूव करने लगोगे, इसके इस तरफ वाले फेस पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाएगा। यह है इसका नेचर कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमेशा अपने कॉज को अपोज करेगी, वो हमेशा ही अपोज करेगी। हम ये नहीं कह रहे कि वो फ्लक्स के बढ़ने को अपोज करेगी, वो फ्लक्स के घटने को भी अपोज करेगी। अगर तुम इस मैग्नेट को दूर ले जाओ तो फ्लक्स घटेगा। अच्छा, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और चेंज का मतलब बढ़ना घटना दोनों होते हैं, तो अगर तुम इस मैग्नेट को दूर लेके जाओगे तो भी तो फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ये उसको भी अपोज करेगा, तो ये दूर जाने से भी रोकेगा। और दूर जाने से कैसे रोकेगा? साउथ पोल बना के, क्योंकि नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट करता है। तो जैसे तुम इसको वापस खींचने लगोगे, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आ जाएगा ताकि साउथ पोल बन जाए और ये मैग्नेट को दूर ना ले जा पाओ तुम। समझ गया? हाँ, अगर तो तुम एफर्ट ही नहीं लगा रहे हो, अगर तो तुम एफर्ट ही नहीं लगा रहे हो, तुमने बोला कि यार मैं इधर लेके जा रहा था और वो तो रिपेल कर रहा है, छोड़ो, तो मैग्नेट गिरेगी दूर जाके और तुम्हारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा और करंट मिलना बंद हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि कॉन्टिन्यूसली करंट मिले, तो तुम्हारी तरफ से भी एक कंटिन्यूस एफर्ट चाहिए ताकि फ्लक्स लगातार चेंज होता रहे। तो तुम फील करोगे कि जब तुम उसको पास ला रहे हो तो तुमको मुश्किल हो रही है पास लाने में। अगर यहां पे कोई लूप ना होता तो मैं मैग्नेट को ऐसे करता बहुत इजीली, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे यहां लूप रख दिया, मेरे को बड़ा एफर्ट लग रहा है मैग्नेट को इधर ले जाने में और वापस लाने में भी, लेकिन वो एफर्ट मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं वो एफर्ट लगाना बंद कर देता हूं तो एक्सपेरिमेंट ही बंद हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि लूप में लगातार करंट फ्लो करता रहे, तो मुझे लगातार एफर्ट लगा के उसे आगे पीछे करना पड़ेगा ना। तो वो जो मैं एफर्ट में जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगा रहा हूं, वही एनर्जी है जो करंट के फॉर्म में मुझे मिल रही है, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो रहा था अगर हम फैराडे लॉ में लेंज लॉ ना पढ़े तो।
लेकिन लेंज लॉ से हमें समझ में आया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज जब भी ईएमएफ इंड्यूस होता है तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होता है, और वो एक्स्ट्रा एफर्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी यानी कि करंट में कन्वर्ट होता है। समझ में आया? सो हाँ, लेंज रूल से बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यहां पे एक डेफिनेशन लिख लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस इट्स कॉज। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ऐसे प्रूव करो कि लेंज लॉ से कैसे पता चल रहा है कि इसमें एनर्जी कंजर्व रहती है। तो तुमको उसमें वाला एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना है जो मैंने ये वाला बताया, कि तुमको उसमें बताना पड़ेगा कि व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू द कॉइल देन द फेस ऑफ द कॉइल विच इज टुवर्ड्स द मैग्नेट acquires north polarity and the current in the coil is in anti-clockwise direction. So we have to apply some extra effort so that the experiment continues and that extra effort converts into the kinetic energy of electron. So there is no violation of law of conservation of energy. ठीक हाँ, लेकिन ज्यादा questions किस type के आते हैं इसमें से, इस type के जो मैं अब बता रहा हूं, ध्यान से देखना। तो लेंज लॉ जो है ना वो एक तरीका है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने का। फैराडे लॉ से हमें यह तो पता लग रहा था कि करंट इंड्यूस हो रहा है, लेकिन हमें यह नहीं पता लग रहा था कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे निकाले। लेंज लॉ से हमें आइडिया लग गया कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे निकालनी, और जो क्वेश्चन तुमको आ रहा है अभी जो मैं कराने जा रहा हूं वो क्वेश्चन उसी टाइप का है जिसमें तुमसे यह पूछा जाएगा कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताओ। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक वायर है और इस वायर में एक करंट है जो इस डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। करंट इन दिस स्ट्रेट वायर इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअसली इन दिस डायरेक्शन, जिसमें हमने एरो बनाया हुआ है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। हर बार अभी जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उनका सबका टाइटल यही रहेगा, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। क्या क्यों कोई आए नहीं? चार नहीं आए थे, लॉ पढ़ा दिया, लेकिन मैंने जिस दिन कम आते मैं ज्यादा बढ़िया वाला टॉपिक पढ़ाता हूँ, थोड़ा मुश्किल वाला, ताकि लॉस हो ना आने वालों का। Find the direction of induced current in the loop. देखो कैसे निकालना है, इसमें करंट इधर है, इसमें करंट इधर है, तो करंट इंड्यूस कब होता है? जब फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स क्या होता है? बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस, बी ए कॉस थीटा। यानी कि फ्लक्स चेंज करने के तीन तरीके हैं, या तो बी चेंज हो, या ए चेंज हो, या थीटा चेंज हो। यानी या तो लूप का एरिया चेंज हो, या लूप के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज हो। ये जो लूप यहां पे रखा हुआ है इसमें तीनों में से क्या चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है?
इस लूप में, इस लूप, ये लूप जहां रखा है ना, तो इसका एरिया हम कह रहे हैं चेंज हो रहा है ना, ये घूम रहा है। इस वाली वायर में करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इसके अराउंड, इसको हमने स्ट्रेट ऐसे आउटवर्ड, तो वो आउटवर्ड वाली मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बढ़ रही है, आउटवर्ड वाली मैग्नेटिक फील्ड यहां बढ़ रही है, और ये अपने कॉज को अपोज करेगा और ये कहेगा आउटवर्ड वाली मैग्नेटिक फील्ड ना बढ़े, तो ये अपने अंदर करंट इंड्यूस करेगा एक ऐसी डायरेक्शन में जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो। समझ आया? तो इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट की डायरेक्शन होगी ऐसे क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड लूप अपने अंदर ऐसे करंट इंड्यूस करेगा जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो। तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के लिए एक और तरीका भी तो होता है, सर्कुलर लूप के लिए एक और तरीका भी होता है कि थंब को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर सकते हो और फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर सकते हो। तो थंब हमें अंदर की तरफ चाहिए, तो ऐसे आ रही है ना फिंगर्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी अगर इसमें करंट कैसे होगा, क्लॉकवाइज। तो इसमें जैसे ही तुम इस वायर में इस डायरेक्शन में करंट इंक्रीज करोगे, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। और देखो, अगर यहां पे हम एक, हमारे पास यहां मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक लूप रख दिया इररेगुलर शेप का, ठीक। अब कुछ होता है लूप के साथ, पता नहीं क्या होता है, कुछ होता है तो लूप जो है वो ऐसे करके खुल जाता है, ठीक है, ऐसे करके लूप खुल जाता है और कोई शेप ले लेता है, ऐसे करके खुलेगा तो सर्कुलर शेप ले लेगा, लूप ऐसे करके खुल जाता है और सर्कुलर शेप ले लेता है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जब ऐसा होगा तो लूप में करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, जैसे ही लूप ऐसे खुलेगा तो उसमें करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप। क्यों? इनवर्ट जा रही है, तो तुमने सोचना है कि जो इनवर्ट्स वाली है, इसके साथ जो हो रहा है उसकी वजह से वो इनवर्ट वाली बढ़ रही है कि घट रही है, इसके अंदर की बढ़ रही है, तो ये अपोज करेगा, तो ये चाहेगा कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है वो ना बढ़े, तो ये अपने अंदर करंट ऐसे इंड्यूस करेगा जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी, आउटवर्ड होगी, सॉरी, ये वाली तो इनवर्ड है, तो आउटवर्ड कब होगी, ऐसे, है ना, तो इसके अंदर जैसे ही ऐसे खुलेगा, अब जब ये खुल चुका है तब नहीं होगी, क्योंकि तब तो फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, लेकिन जब ये खुल रहा होगा तब इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। तब वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। एक और देखो, जैसे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कॉइल रख दी,
कॉइल हमेशा, चलो तुम्हें वही फिक्स्ड शेप की चाहिए ना, चलो ऐसी बना, ये कॉइल है ठीक है, ये ठीक है, और इसको हम यहां पे बाहर पुल कर रहे हैं ठीक, इस मैग्नेटिक फील्ड से इसको बाहर निकाल रहे हैं। और मान लो चलो एक और कॉइल बना देते हैं, और ये वाली कॉइल यहां पर है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में अभी इस तरीके से अंदर लाया जा रहा है। तो कॉइल वन और कॉइल टू हमें बताना है इस सिचुएशन में दोनों कॉइल्स में किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। हाँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, बढ़ रही है अंदर वाली, अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, बाहर ला रहा है एंटी क्लॉकवाइज करें। मतलब इसके जब ये अंदर जा रहा है तो इनवर्ड्स वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, जिसको ये अपोज करेगा तो ये अपने अंदर इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा जिसकी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो, यानी ऐसे, यानी इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, पर इसे तो हम बाहर खींच रहे हैं, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड वाली मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, तो ये चाहेगा कि इनवर्ड वाली कम ना हो, तो ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड चाहेगा जो इनवर्ड ही हो, उसके लिए इसके अंदर करंट जो है वो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है। ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, और जब हम इसको बाहर खींचेंगे तो वो घटेगी, ये अपोज करेगा, ये अंदर बढ़ाएगा, ये अंदर तब बढ़ाएगा जब इसमें करंट जो है वो क्लॉकवाइज होगा, तो जब इसको तुम बाहर खींचोगे तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन होगी ये, हाँ तभी गलत दिया था, कोई बात कर लेंगे सर, हो जाएगा सर, ठीक हम ये दो लूप्स हमने रखे हैं और बीच में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, लूप वन और लूप टू, इस वाले कंडक्टर में करंट इस डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप वन एंड लूप टू व्हेन द करंट आई डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूअसली इन दिस, ऐसे है ना, ऐसे, बाहर आ रही तो बाहर तो की तरफ जाएगी इसमें ना। इसमें इनवर्ड है और वो डिक्रीज हो रही है, और इसमें आउटवर्ड है और वो भी डिक्रीज हो रही है, ये चाहेंगे दोनों लूप्स कि वो डिक्रीज ना हो, तो इसने अपने अंदर ऐसे करंट इंड्यूस करना है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो, सेकंड वाले की क्लॉकवाइज होगी ना, क्योंकि ये घट रही है, इनवर्ड वाली डिक्रीज हो रही है तो उसे इनवर्ड वाली बढ़ानी है, तो वो उसी में रहना चाहेगा ना, तो इनवर्ड वाली बढ़ाने के लिए करंट क्लॉकवाइज होना चाहिए, और इसकी आउटवर्ड वाली कम हो रही है तो इसे आउटवर्ड वाली बढ़ानी है, तो आउटवर्ड वाली बढ़ाने के लिए ऐसे, नहीं तो टाइम पास चल रहा है, तुझे आजकल हुआ क्या है, मुझे क्या हुआ है भाई, वॉट ही ना करो ना, चार चार दिन तो होते हैं ऐसे, मेरा तो सही रहता है डेली दो टाइम। हो गया, बताओ ना हाँ बोल क्या क्या हुआ है, हुआ, क्या हुआ कुछ पढ़ नहीं, लो। अनऑफिशियल ग्रुप बनाना चाहिए ना, ऐसे साथ में आज क्लास नहीं जाएंगे करके। कोई ना कि आज तो पढ़ाओगे उसको। मैं तो जब कोई नहीं आता तब भी पढ़ा लेता हूँ, कई बार रिकॉर्ड ही तो होना है, काम मेरा कंप्लीट होता है ना, मैं बोल तो अगली क्लास में रिकॉर्डिंग देख के आता,
हाँ मतलब अभी इस साल तो नहीं हुआ है, एक एक दो बारी हुआ है, पर मैंने पढ़ा दिया है, मैंने पढ़ा दिया उसमें, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग चली जाती है, मेरा काम तो खत्म। मैथ्स का तो हो जाता है सिलेबस बहुत इजीली खत्म, मुझे फिजिक्स की टेंशन रहती है। देखो जो भी किसी तरह के मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है उसको बोला जाता है मोशनल ईएमएफ। जैसे यहां पर अगर करंट चेंज हो रहा है, तो करंट चेंज होने की वजह से इस वाले लूप में करंट इंड्यूस हो रहा है, सो दैट इज नॉट मोशनल ईएमएफ, क्योंकि ये मोशन से नहीं हुआ, ये मोशनल ईएमएफ है। इसमें जो इंड्यूस हुई है दैट इज मोशनल ईएमएफ, दिस वन इज ऑल्सो नॉट मोशनल ईएमएफ। ठीक है, मोशनल ईएमएफ एज अ टॉपिक सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और वो तुमको पता होनी चाहिए, या फिर वो बाकी क्वेश्चंस में यूज होंगी। तो इसमें जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उसे ना बहुत अच्छे से समझ लेना। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फंडा हमको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि अगर फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और हमें ऐसा लग रहा है अगर कि हमने कोई नई चीज पढ़ ली इसमें, तो मैं तुम्हें यह बताता हूं कि ये कोई नई चीज नहीं है। अगर मैं सिर्फ फोर्थ चैप्टर तक के फंडे लगाऊं, और फोर्थ चैप्टर मतलब हमने जो चैप्टर खत्म किया है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, अगर सिर्फ फोर्थ चैप्टर तक के फंडे लगाऊं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ूं भी ना, फैराडे लॉस पढ़ूं भी ना, तो भी सिर्फ फोर्थ चैप्टर तक हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं सिर्फ उनके बेसिस पे ही इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है। मतलब फैराडे लॉ में हमने पढ़ा कि जब एक लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, लेकिन रीजन नहीं पढ़ा कि क्यों होता है ऐसा, बिकॉज उसका जो रीजन है वो फोर्थ चैप्टर तक के फंडों में ही है। इसलिए जो एक कॉम्प्लिकेटेड सी चीज हो रही है ना, अभी समझाता हूं क्या, उसको सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करने का तरीका है फैराडे लॉ। फैराडे ने कोई नई चीज नहीं डिस्कवर करी, उसने एक पुरानी चीज को ही नए तरीके से एक्सप्लेन किया। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि हमें फैराडे लॉ पता है, और हम ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ चैप्टर फोर तक के कॉन्सेप्ट आते हैं। अब देखना जरा क्या होता है, यहां पे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक रॉड को मूव कराते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर है हमारे पास ऐसा लंबा, ये, और हम इसको इधर खींच रहे हैं वी वेलोसिटी से, हमें फैराडे लॉ नहीं पता, हम इसको इधर खींच रहे हैं वी वेलोसिटी से। तो तुमने चैप्टर फोर में एक टॉपिक पढ़ा है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चैप्टर फोर में तुमने एक टॉपिक पढ़ा है कि एक तो जब एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है क्यू वी बी साइन थीटा। तो दूसरा तुमने पढ़ा कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर फोर्स लगती है आई एल बी साइन थीटा। हमें सिर्फ इतना पता है, हमें फैराडे लॉज नहीं पता, तो हमारे लिए इतना ही बहुत है ईएमआई के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इस रॉड को इस तरफ पुल करता हूं तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक तरीके से मैं इधर ले जा रहा हूं, तो इस वाले पे आ जाओ, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन निकाली जाती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो ये वाली फिंगर रखनी होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये मैंने रख दी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये रखनी होती है पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होता है और वो तो सारे इधर जा रहे हैं, तो इस फिंगर को किधर रखना पड़ेगा, उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, तो थंब किधर आ रहा है, देखो थंब कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ, तो यानी वो सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर लगेगी, नीचे की तरफ, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे,
नीचे, तो ये वाला जो एंड है ना इसका, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और कंपेरेटिवली रिलेटिवली ये वाला एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो एक एंड पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एक एंड नेगेटिवली चार्ज हो गया, और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, जिसको ईएमएफ बोलते हैं हम। और अगर यह सर्किट कंप्लीट होता, तो इस सर्किट में करंट ना फ्लो करता ऐसे। जब इस रॉड को इधर खींचोगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ठीक। तो ये फैराडे लॉ का कहां, यहां पे नीड ही नहीं हुई कहीं, है ना। यहां पे तो करंट ऐसे इंड्यूस होता है, देखो ये रीजन है करंट के इंड्यूस होने का, ठीक। लेकिन लेंज लॉ कहां है यहां पे? अब लेंज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ अपने कॉज को अपोज करेगा, और इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है जब रॉड को इधर खींचा जा रहा है, यानी अपोजिंग फोर्स इधर लगेगी, समझ रहे हो। अब ये फोर्स कहां से आई, अब दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही तुमने इसको इधर खींचा, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ दौड़े, यानी इसमें करंट किधर आएगा, ऊपर की तरफ। करंट मतलब अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसमें करंट किधर आएगा, ऊपर की तरफ। अब इसमें करंट ऊपर की तरफ आएगा, तो ये वाली सिचुएशन में आ गए हम। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी डायरेक्शन होती है लेफ्ट हैंड रूल से। तो देखो फोर्स की डायरेक्शन किधर आ रही है, इधर। तो जैसे ही तुम इसको इधर खींचोगे, इसमें करंट इंड्यूस होगा और इसमें एक फोर्स लगने लगेगी उल्टी डायरेक्शन में। तो ये देखो अपोजिंग फोर्स आ गई। कहीं पर भी फैराडे लॉ और लेंज लॉ की जरूरत नहीं पड़ी। ये सारे फंडे फोर्थ चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन अगर इनको इस तरीके से समझाया जाए तो कंफ्यूजन होता है। तो इनको हमने एक नया लॉ बना दिया। अब उस चीज को भी डिस्कस करते हैं कि फैराडे के लॉ में यह भी तो है ना कि जब फ्लक्स चेंज होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो ऐसा क्यों है? एक सिचुएशन में ऐसा लो कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल है जो आधा अंदर है आधा बाहर है, ये, और तुम इसको इधर खींच रहे हो। तो जब तुम इसको इधर खींच रहे हो वी वेलोसिटी से, तब तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि अभी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। तो ये वाली जो साइड है इसकी, ये वाली जो साइड है, इसमें तो जो अभी हमने सारा फंडा पढ़ा, इसके इलेक्ट्रॉन्स पे तो फोर्स लगेगी, इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स पे तो नहीं लगेगी ना, और इन दोनों पे तो लगेगी ही नहीं, क्योंकि फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। ये वाली देखो फोर्स क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर तुम ये वाली दोनों साइड्स देखो, तो इस इन दोनों पार्ट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे जा रहे हैं, और वी भी ऐसे ही है, तो उनके लिए तो थीटा कितना हो गया, जीरो डिग्री, या फिर इसको इस तरीके से देखो, नहीं इसको इस तरीके से देखो, पहले इस वाली साइड की बात करते हैं, चारों साइड्स की अलग अलग बात करते हैं। पहले हम पी क्यू साइड की बात करते हैं। पी क्यू साइड इस तरफ जा रही है, इसमें यही होगा, तो इसका ये वाला एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इसका ये वाला एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एक कंडक्टर के दोनों एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो, उसके लिए जरूरी है ना कि उसके इलेक्ट्रॉन्स एक एंड की तरफ भागे। लेकिन इस वाले पार्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फोर्स किधर लग रही है, देखो ये इधर, ये उल्टी डायरेक्शन में, इन 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 सब पे यहां तो फोर्स इधर लगनी चाहिए, उधर लगनी चाहिए, ये तो लग रही है ऐसे, तो इधर थोड़ी जाएंगे, इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप नहीं होगा, इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप नहीं होगा, और ये तो मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं, इसमें भी नहीं होगा, तो सिर्फ उसमें होगा, तो उसकी वजह से यहां पे करंट इस वाली में, ऊपर वाली में, ऊपर वाली एक वायर है,
जिसका तुम मानो कि थिकनेस नेग्लिजिबल है, सिर्फ लेंथ है उसके अंदर। तो इन इसमें पोटेंशियल डिफरेंस तब होगा जब एक एंड नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। ये तो तभी होगा ना जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक एंड में इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन हाँ यहां यहां हो जाएंगे ना वो। तो बची कौन सी? सिर्फ ये। तो इसमें ईएमएफ सेटअप होगा, उस ईएमएफ की वजह से इस पूरे में करंट फ्लो करेगा। अब आते हैं एक दूसरी सिचुएशन में, जब ये लूप पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, जब ये लूप कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इसमें भी सेटअप होगा और इसमें भी सेटअप होगा। प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को बोलेगा, ये वाला एंड इलेक्ट्रॉन्स को बोलेगा मेरी तरफ आओ, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव है। ये वाला एंड कहेगा नहीं मेरी तरफ आओ, ये वाला नेगेटिव है तो ये पुश करेगा, ये कहेगा मैं भी पुश करूंगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स पे? जीरो। तो क्या इस केस में करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा ना। और अगर ये अब बाहर निकलना शुरू हो जाए तो फिर इस वाले में नहीं करेगा, इसमें करेगा, तब भी करंट फ्लो करेगा। और सोचो सोचो अगर अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होती और यहां वीक होती, फिर तो इधर ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होता, क्योंकि क्यू वी बी साइन थीटा, इस वाले के इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा फोर्स लगती, उस पे कम लगती, तो फिर इसका इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता, उसका कम होता, फिर भी करंट होता। अब फैराडे ने ये सब सोचा होगा शायद, तो उसने सोचा होगा कि ये सारी चीजें एक ही स्टेटमेंट में कैसे समझाऊं सबको। तो उसने एक कॉमन चीज ढूंढी, इन सब बातों में एक ही बात कॉमन है कि ईएमएफ और करंट तभी इंड्यूस हो रहा है जब फ्लक्स चेंज हो रहा है। ये देखो, यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, ये एंटर कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड में तो फ्लक्स बढ़ रहा है, और यहां पे तभी हो रहा था जब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा थी या कम थी, तो जब ये ऐसे जाएगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, तो करंट भी इंड्यूस नहीं हो रहा, और जब ये बाहर निकलेगा तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। इन सारी बातों में एक ही बात कॉमन है कि मैग्नेटिक फील्ड में ईएमएफ तभी इंड्यूस हो रहा है, करंट तभी इंड्यूस हो रहा है जब फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो उसने कहा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या बताना किसी को, तो एक लॉ बना दिया कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन उसका रीजन ये है, समझ में आया?